हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की एक भुजिया, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की बहुत फेमस और कॉमन एक भुजिया है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है इसमें। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगता है और ये चावल, रोटी, पूरी, पराठा आप सबके साथ ट्राई कर सकते हैं। तो मसाला भी बहुत कम लगता है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या चाहिए इसमें। आलू चाहिए, ऐसे मैंने स्लाइस करके कटा हुआ है, आप देख सकते हैं जैसे फ्रेंच फ्राई काटते हैं ऐसे ही, लेकिन फ्रेंच फ्राई थोड़ा मोटे होता है, ये थोड़ा पतला है। मैंने धो के भी रख दिया इसको। अब मैंने गैस ऑन कर लिया है और एक पैन भी चढ़ा दिया है। मैं ये मस्टर्ड ऑयल से फ्राई करने वाली हूँ, इसमें टेस्ट ज्यादा आता है। थोड़ी गर्म करने के लिए छोड़ दूंगी। रिफाइन ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं आप, ये ऑप्शनल है। जैसे थोड़ा गर्म हो जाए मैं इसके ऊपर थोड़ा लाल सूखा मिर्च दे रही हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको भी फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई हो जाए मैं इसके ऊपर थोड़ी सी साबुत जीरा दे लूँ। जीरा लाल होते ही मैं उसके ऊपर आलू डाल दूंगी। अब मुझे अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिला लिया मैंने। अब मसाला डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप थोड़ा सॉल्ट डाल लीजिए। थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर डाल लीजिए। बस इतना सा ही मसाला चाहिए मेरे को। अब अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से मिला लिया मैंने। अब मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी। अब मैं 5 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी स्लो फ्लेम में। 5 मिनट हो गया है मेरा, मैं चेक करूंगी अभी थोड़ी देर। चेक करने के बाद देख रही हूँ अभी भी थोड़ा सा बाकी है। मैं फिर से इसको ढक के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में रख दूंगी। मिनट के बाद फिर से मैं चेक कर रही हूं। देख रहे हैं नीचे के कलर जैसे लाल हुआ है, मुझे थोड़ी ऐसी चाहिए। एक चेक कर रही हूं, थोड़ा सा अभी भी टाइम लगेगा उसको पकने में, थोड़ा सख्त है। अच्छे से मुझे मैं फिर से 5 मिनट के लिए ढक दिया इसको। मेरा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया। मैं एक बार चेक कर ले रही हूँ गला है कि नहीं। हाँ, मेरा गल गया है। मैं अभी प्लेटिंग कर लूँगी। अगर ये झटपट वाला रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।